अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से हाफिज़ मोहम्मद वकास फरीदी आपसे मुखातिब है। आपको गौहर पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। आवर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। अजीज़ तलबा, आज हम गौहर इस्लामियात क्लास 5 के बाब चारम का पहला सबक, जिसका उन्वान है रवादारी, इस सबक की मश्क को हल करने जा रहे हैं। और ये मश्क गौहर इस्लामियात क्लास 5 के सफ़ा नंबर 64 पर मौजूद है। आइए इस मश्क को हल करते हैं। जी प्यारे बच्चों, इस मश्क का पहला हिस्सा, जिसका उन्वान है मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाबात पर सही का निशान लगाएं। सवाल नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम के पास नजरान से वफद आया, ईसाइयों का, यहूदियों का, काफिरों का या फिर मुशरिकों का? तो इसका सही जवाब है ईसाइयों का। सवाल नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम ने वफद को ठहराया घर में, मस्जिद में, सराय में, खैमे में? तो इसका सही जवाब है मस्जिद में। सवाल नंबर 3, ईसाइयों के वफद में शामिल थे उनके समाजी रहनुमा, सियासी रहनुमा, मजहबी रहनुमा या फिर तिजारती रहनुमा? तो इसका सही जवाब है मजहबी रहनुमा। सवाल नंबर 4, रवादारी से मुआशरा रहता है पुरअमन, जाहिल, लापरवाह, बदअमन? तो इसका सही जवाब है पुरअमन। जी प्यारे बच्चों, इस मश्क का दूसरा हिस्सा हल करते हैं, जिसका उन्वान है कालम अलिफ़ को कालम बा से मिलाएं। कालम अलिफ़ की पहली लाइन को कालम बा की दूसरी लाइन से मिलाएंगे। इस्लाम ने रवादारी के साथ पेश आने पर बहुत ज़ोर दिया है। कालम अलिफ़ की दूसरी लाइन को कालम बा की तीसरी लाइन से मिलाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व असहाबिही वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम भी रवादारी में बेमिसाल थे। कालम अलिफ की तीसरी लाइन को कालम बा की चौथी लाइन से मिलाएंगे। हमारा मुल्क पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, कालम अलिफ की चौथी लाइन को कालम बा की पहली लाइन से मिलाएंगे। रवादारी से एक दूसरे की राय और जज्बात के एहतराम का सबक मिलता है। अज़ीज़ तलबा, इस मश्क का तीसरा हिस्सा हल करते हैं, जिसका उन्वान है मदरजा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। सवाल नंबर 1, रवादारी से क्या मुराद है? जवाब, रवादारी के माना बर्दाश्त करना और लिहाज करने के हैं। दूसरों की राय या मजहब से इख्तिलाफ़ के बावजूद उसका एहतराम करना और उन्हें अपनी राय या मजहब के मानने पर मजबूर न करना रवादारी कहलाता है। सवाल नंबर 2, नजरान के वफद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व असहाबी वसल्लम ने क्या सलूक किया? जवाब, नजरान के वफद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व असहाबी वसल्लम ने मस्जिद में ठहराया और उन्हें अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने पर रोक टोक भी नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व असहाबी वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, जो उन्होंने कबूल ना की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व असहाबी वसल्लम ने उन्हें इस्लाम कबूल करने पर बिल्कुल भी मजबूर ना किया।
सवाल नंबर 3, खुलफाए राशिदीन के दौर में गैर मुस्लिमों के साथ कैसा बर्ताव किया गया? जवाब, खुलफाए राशिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हुम के दौर में तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की पूरी आज़ादी थी और उनकी इबादत गाहों की भी हिफाजत का ख़ास ख्याल रखा जाता था। सवाल नंबर 4, इस्लाम हमें रवादारी के हवाले से क्या तालीम देता है? जवाब, इस्लाम रवादारी के तहत गैर मुस्लिमों को उनके मज़ाहिब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की पूरी आज़ादी देता है, गैर मुस्लिमों से मेल जोल की इजाज़त देता है, अलबत्ता दूसरों की खातिर अपने अकीदे में कमी बेशी की किसी सूरत इजाज़त नहीं देता। अज़ीज़ तलबा, इस मश्क का चौथा और आखिरी हिस्सा हल करते हैं जिसका उन्वान है दर्ज ज़ैल सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, कुरान और सुन्नत की रोशनी में रवादारी की अहमियत बयान करें। सवाल नंबर 2, रवादारी से हासिल होने वाले मुआशरती फ़वाद व समरात लिखें। अज़ीज़ तलबा, अगर आपने ये सबक रवादारी गौर से सुना है या तवज्जो से पढ़ा है तो आप इन तमाम सवालात के जवाबात बआसानी लिख भी सकेंगे और ज़बानी सुनाने में कामयाबी हो जाएंगे, क्योंकि इन सवालात के जवाबात सबक में गुज़र चुके हैं। प्यारे बच्चों, अब आपने करना क्या है? रवादारी और बर्दाश्त के मौजू पर तकरीर या खाका तैयार करके असम्बली में बयान करना है और इसके साथ साथ असातिज़ा और वालिदैन की मुआवनत से रवादारी और बर्दाश्त के मौके की फ़हरिस्त भी बनानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें रवादारी पर कायम रहते हुए ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, वालिदैन और असातिज़ा का अदब व एहतराम कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।